सोमवार को फायर स्टेशन पर ट्रचिंग ग्राउंड के कूड़े में लगी आग की सूचना मिली, जिस पर सीएफओ के निर्देश पर दमकल की गाड़ियां रवाना की गईं। आग लगने की सही वजह तो फिलहाल नहीं पता चल सकी, लेकिन दमकल टीम का मानना है कि शहर में कई स्थानों पर होलिका दहन हुआ और दहन के बाद वहां पड़ी राख में आग सुलगने के बाद सफाई के चलते निगम स्टाफ ने उठाकर ट्रचिंग ग्राउंड भिजवा दिया। इस सुलगती आग को खुले में हवा मिलने से आग बढ़ गई। मौके पर मौजूद दमकल अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने के लिए 12 से अधिक गाड़ियों को लगाया जा चुका है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका क्योंकि हवा की वजह से आग को बुझाने में दिक्कत हो रही है। यहाँ कहाँ पे आग लगी है, कितनी गाड़ी तक आई है? यहाँ करीब दो जगह से गाड़ी आई है, कटघर से और हेलन कटघर की गाड़ी लगातार आग जा रही है। हेलनपुर की गाड़ी है वो कहीं टर्न आउट हो गया, दूसरी जगह वहाँ आग गई है। और मैं अपने यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे सूचना मिली है कि छुट्टी पर थाना में कितनी आग लगी है, गाड़ी खाली हो गई है, पानी भरने गई है गाड़ी, पानी भरते बाद में गाड़ी घुमा ले। तो यहाँ पर कितनी गाड़ी आई है? यहाँ पर करीब 12-13 गाड़ी पड़ गई है सुबह से। और अभी आग पर काबू पा लिया गया? आग में कोई काबू नहीं है, आग नहीं है, हवा चल रही है बहुत तेज। फिलहाल मुझे जो आदेश हुआ है चाली वालियों का कि आप जो है आग नहीं है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ आग लगा आगे